हेलो दोस्तों, हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और आप बाहर से देखकर नहीं समझ पाएंगे कि अंदर से यह जंक्शन कितना ही खूबसूरत है। इस जंक्शन पर आपको खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी लिफ्ट वगैरह की सुविधा भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आपको रुकने के लिए रूम चाहिए तो यहाँ पर रिटायरिंग रूम भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत तरीके से इस जंक्शन को बनाया गया है। अयोध्या की कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं कितना सुंदर और मनोरम लगता है अयोध्या धाम जंक्शन। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought in. लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें बिखरी हुई दिखेंगी, लेकिन अयोध्या जंक्शन सच में बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर। और हम लोग इसके बाद प्रसादम रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन वहाँ का खाना तो हमको पता ही नहीं, चूँकि एक घंटे तक बैठे रहे और हमको कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। हमने 3 बार लोगों से बोला लेकिन हमारी बातों को लोगों ने अनसुना किया, तो हमने अपना रेस्टोरेंट चेंज किया और हम दूसरी जगह जाकर खाना वाना खाए हैं। खाना खाने के बाद फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं अयोध्या धाम दर्शन के लिए, श्री राम जी के दर्शन के लिए। तो आप देखेंगे कि यहीं से लाइन शुरू हो गई है और बहुत ही लंबी, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। अगर आप रविवार को जाएंगे तो कम से कम आपको 2 घंटे से 3 घंटे आपको लग सकते हैं। पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से हमें सिक्योरिटी चेकिंग के लिए भेजा जाएगा और हमारा सारा बैग सिक्योरिटी चेक के साथ बाहर निकलेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामने लेफ़्ट साइड में बहुत सारे जूते रखने की व्यवस्था की गई है, तो आपको इसके लिए सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अपने जूतों को यहाँ वहाँ नहीं फैलाना है। और आपको यहाँ के बास्केट में जाकर अपने जूतों को जमा करना है और आने के बाद जस्ट इसके अपोजिट साइड में जाकर आपको अपने जूतों को वापस ले लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आप अपने जूतों को जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप दाहिने साइड में देखेंगे तो आपको ढेर सारा लॉकर रूम दिख जाएगा। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ अंदर आपको बहुत सारी लॉकर की सुविधाएँ मिल जाएंगी। आपको सारी चीज़ों को जमा कर देना है ताकि अंदर आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। मोबाइल फ़ोन सब कुछ जमा कर देना है यहाँ पर। फिर हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और हमें प्रसाद मिला है, जो कि अंदर प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको वहाँ से निकलते टाइम आपको प्रसाद मिलेगा। बहुत ही भव्य दर्शन हुआ और हम लोग आ गए हैं अपना जूता लेने। जूता लेके हम लोग निकल चुके हैं और अब हमारा अगला टारगेट हनुमानगढ़ी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कनक भवन और भी चीज़ें हैं, तो आपको देखने को मिलेगा अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।